आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हील और नाइटिया में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट 2024 पीटर ट्रेड का 7 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉब को किस तरह से करना था वो पूरी जानकारी हम देंगे। तो इस जॉब को करने के लिए आपको 2.5 घंटा मिला था, 100 मार्क का पेपर था। उसके बाद जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो जॉब जॉब का डायग्राम, यही जॉब आया था 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में। जो इसके पहले के वीडियो में मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर आपको सॉल्व करके दिया, जहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो जो मेन चीज़ जैसे हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, जो जो जॉब का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल चेंज नहीं हुआ है और होगा भी नहीं पूरे प्रैक्टिकल आपका स्किल टेस्ट खत्म होने तक। जो रॉ मटेरियल का साइज है 60 फाइनल लेंथ है, 40 इसकी टोटल हाइट है, फाइनल हाइट 40 है और जॉब का थिकनेस 5 मिलीमीटर थिकनेस इसका फाइनल है। ये हो गया बेसिक और इसका जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। और इसमें ज़्यादा ऑपरेशन है नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पर, जो आपको 30 डिग्री में दिखाया गया है कटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि जब आप ITR कर रहे हो तो ITR में आपको इतने मतलब ये एंगल की मार्किंग वगैरह पढ़ाया नहीं जाता है। नॉर्मली जो ITR विलेज लेवल पे है उनको और कुछ कुछ ITR में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ITR में पढ़ाया नहीं जाता कि आपकी डिग्री की मार्किंग किस तरह से करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से मार्किंग किया जाता है एंगल की और किस से मार्किंग करना है, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक जानकारी था मैंने इसमें आपको दे दिया। ज़्यादा हार्ड ऑपरेशन नहीं है तो ज़्यादा डीपली हम बात नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली स्टेप बताते हैं कि किस तरह से आपको जो आपको करना था मार्किंग किस तरह से करना था, कटिंग, उसके बाद फाइलिंग जो भी है, फाइल का सिलेक्शन वगैरह सब डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक फिटर जॉब का स्टेप होता है, जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है तो रॉ मटेरियल कभी भी फाइनल साइज में नहीं होता है, 5 mm प्लस में होता है। मतलब अगर लेंथ हमारा 60 मिलीमीटर फाइनल है तो आपको 65 मिलीमीटर मिलेगा फाइनल लेंथ, और अगर हाइट इसके 40 है तो आपको 42 नहीं तो 45 आपका मिलेगा 100% गारंटी के साथ। तो ये हो गया आपका बेसिक। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप जब आपको रॉ मटेरियल मिलता है तो रॉ मटेरियल मिलने के बाद आपका सबसे फिटर का सबसे पहला मतलब जो फ्लैट जॉब के ऊपर का पहला स्टेप होता है, जो बेंच वाइज में जॉब को बांधकर सबसे पहले 90 डिग्री में तैयार करना चारों साइड। तो 90 डिग्री में तैयार करते समय इसमें भी और एक बात ध्यान में रखें, जो आपको हाइट और लेंथ में 5 mm प्लस में दिया है तो उसको आप कब कट करोगे वो जॉब के डायग्राम पर डिपेंड करता है। तो जो जॉब आपका डायग्राम दिखाया गया है, इस जॉब को हम लास्ट में जो 5 mm एक्स्ट्रा लेंथ है उसको लास्ट में कट करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाइट में सिर्फ 20 मिलीमीटर और जो लेंथ है लेंथ में भी आपको जो 60 मिलीमीटर आपको कट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप बेंच वाइज में जॉब को इस तरह से सेट करना है ताकि रॉ मटेरियल को जब आप मतलब जॉब को चेक करोगे ट्रेस करके सहायता से, तब आपको बार बार जॉब को बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे सबसे पहले जो विड्थ वाला साइड होता है, जो हाइट वाला, उसके दोनों साइड ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, उसका सिर्फ ब्लैकनेस हटाना है बास्टर्ड फाइल के सहायता से। ड्रॉ फाइलिंग करके बास्टर्ड फाइल का ही उपयोग करें जब आप जॉब को 90 डिग्री में तैयार कर। उसके बाद का स्टेप है जॉब, जैसे 90 डिग्री में आपका बन गया है जॉब, चारों साइड में जॉब को फाइलिंग करके 90 डिग्री में तैयार कर लेना। उसके बाद का जो ऑपरेशन है, जॉब का कौन सा भी वन साइड आपका सरफेस क्लीन करना है, हल्का हल्का सरफेस क्लीन इस तरह करना है, क्योंकि इसके बाद आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है, उसके बाद आपको मार्किंग करनी है, इसलिए आपको हल्का मार्किंग मीडिया अप्लाई कर मतलब सरफेस क्लीन कर लेना है बास्टर्ड फाइल की सहायता से। आप स्ट्रेट क्रॉस या फिर ड्रॉ फाइलिंग कौन से भी फाइलिंग आप कर सकते हैं बास्टर्ड फाइल की सहायता से जल्द आपका सरफेस क्लीन थोड़ा सा कर ले, उसके बाद आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपको मार्किंग करनी है। तो मार्किंग इस जॉब की भी मार्किंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, हाइट गेज और स्टील रूल। तो मैं आपको हाइट गेज के सहायता से मार्किंग करने का मेथड बताऊंगा, किसके सहायता से आप मार्किंग कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे जो जॉब आपको दिखाया जा रहा है इसी पोजीशन में सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल जॉब को क्या करना है, सरफेस प्लेट के ऊपर इसी पोजीशन में रखना है, जॉब के बैक साइड में एंगल प्लेट का सपोर्ट देकर। उसके बाद हाइट गेज में सबसे पहले आपको 10 मिलीमीटर माप सेट करना है, 10 मिलीमीटर माप सेट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद 30 मिलीमीटर माप सेट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद 40 मिलीमीटर माप सेट करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल मार्किंग पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्टिकल पोजीशन में जॉब को घुमाकर रखना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। और एक बात ध्यान में रखें, जैसे ये हमने 10 और उसके बाद 30 और 40 का लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको ये जो नीचे से आपको जो मार्किंग है, ये जो डिग्री की मार्किंग है, ये 20 मिलीमीटर के पॉइंट से
30 डिग्री है, तो आपको हल्का इस साइड में जब हॉरिजेंटल मार्किंग करोगे तो 20 मिलीमीटर का लाइन लेके इस साइड से आप हल्का मार्किंग करके रखे 10 से 15 मिलीमीटर तक, ताकि आपको पता चले कि ये हमारा 20 वाला पॉइंट है जहाँ से आपको 30 डिग्री के माप लेना। मैं आपको 30 डिग्री का भी माप लास्ट में बताऊंगा, पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं हेड गेज के सहायता से, उसके बाद इसकी मार्किंग भी बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए हमने हॉरिजेंटल लाइन पूरा ड्रा कर लिया है, उसके बाद जो आपको इस तरह से घुमाकर वर्टिकल पोजीशन में रखना है, उसके बाद सिर्फ लाइन कौन सा मारना है आपको, 20 मिलीमीटर का ही लाइन आपको ड्रा, एक लाइन वर्टिकल में मारना है 20 मिलीमीटर, इस साइड से मार रहे तो 40 मिलीमीटर की और 60 मिलीमीटर की दो लाइन, जो आपके ऊपर से मतलब सबसे पहले 60 और उसके बाद 60 से माइनस करोगे 20 मिलीमीटर तो 40 मिलीमीटर, दो ही लाइन ड्रा करने 40 और एक 60 की, तो आपकी वर्टिकल मार्किंग भी हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका ये जो डिग्री की मार्किंग है, डिग्री की मार्किंग की, तो मान लीजिए जो आपने इसी पोजीशन में रखे है सरफेस प्लेट या फिर जो भी मार्किंग टेबल के ऊपर आपने, मान लीजिए इस पोजीशन में जॉब आपका है, उसके बाद आपको इसकी मार्किंग करना है, तो इसकी मार्किंग करते समय जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते समय एक 20 वाला लाइन ड्रा किया था, तो उस वाले पॉइंट में आपको प्रोटेक्टर हेड को रखना है। प्रोटेक्टर हेड को रखने के बाद आपको क्या करना है, 30 डिग्री सेट करना है प्रोटेक्टर हेड में। 30 डिग्री सेट करने के बाद ये जो आपको यहाँ पर इस तरह से एंगल में आएगा प्रोटेक्टर हेड का, जो आपका ब्लेड होता है इस तरह से आएगा, उसके बाद आपको लाइन ड्रा करना है। और एंगल के अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी दिया जा सकता है, जो आप 30 डिग्री में सेट करके, पहले 30 डिग्री में सेट कर लेना, उसके बाद बेस ये जो आपका जॉब का नीचे वाला पोर्शन है, इसे बेस पकड़ कर इसे पैरेलल पकड़ना है, और डायरेक्टली जो एंगल वाला ब्लेड आपको इस तरह से आएगा उसके ऊपर से लाइन एक ड्रा कर दोगे तो डायरेक्टली आपका 30 डिग्री का लाइन निकल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। और इसमें भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एंगल की किस तरह से मार्किंग करते प्रोटेक्टर हेड के सहायता से, उसका भी वीडियो का लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, जहां से आप जॉब को चेक कर किस तरह से प्रैक्टिकली मार्किंग करते हैं, मैं प्रैक्टिकली जॉब के ऊपर मार्किंग करके दिखाया, उस वाले वीडियो का लिंक आपको नीचे में दे दूंगा, जहां से आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपका सबसे पहले मार्किंग हो गया। अपने मार्किंग के बाद आपको क्या करना है, पंचिंग करना है। तो पंचिंग के पहले जो हमने पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिया, उसके बाद का स्टेप क्या होता है, जो आपका डायग्राम सामने रखकर आपको पेंसिल के सहायता से जो जॉब का शेप है, जो आपका आकार है, इस आकार में पेंसिल के सहायता से जो मैंने आपको डार्क लाइन में दिखाया है तो उसी तरह से आपको पेंसिल के सहायता से डार्क लाइन में जोड़ लेना है, ताकि आपका आपको पता चले कि पंचिंग आपको सिर्फ इस डार्क लाइन के ऊपर ही करना है, क्योंकि जब आप मार्किंग लाइन ड्रा करते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही होता है। उसके बाद जॉब का डायग्राम को देखकर आपको ये जो जॉब का शेप है, शेप की मार्किंग मतलब लाइन ड्रा करनी होती है पेंसिल के सहायता से। तो यहाँ पर आप देख सकते, मान लीजिए आपने इस तरह से मार्किंग कर लिया है पेंसिल के सहायता से, उसके बाद आपको हल्का लाइट पंचिंग करना है डॉट पंच बॉल पिन हैमर के सहायता से, जो आपको एनविल के ऊपर रखकर हल्का पंचिंग कर लेना है आउटलाइन के ऊपर से। उसके बाद का स्टेप है आपको एक्सेस मटेरियल कटिंग करना है हैक्सा के सहायता से। तो हैक्सा के सहायता से कट करते समय ब्लेड का सिलेक्शन करके ब्लेड को सही स्ट्रोक में सेट करके, मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में सेट करके आपको एक्सिस मटेरियल कट करना है। तो एक्सिस मटेरियल को कट करते समय आप इस तरह से वर्टिकल, मतलब दोनों साइड से घुमाकर इस तरह से वर्टिकल लाइन भी कट कर सकते हैं, और उसके बाद जॉब को घुमाकर इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में कट करोगे तो ये दोनों साइड का मटेरियल निकल जाएगा। तो ध्यान में रखें, जब आप मटेरियल कट करोगे तो पंचिंग का जो आउटलाइन होता है कटिंग के बाद आपका पंचिंग दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंचिंग हमने किया तो पंचिंग के इनर लाइन से आपको कट करना है, ऐसा नहीं है, पंचिंग के आउटलाइन से आपको कट करना है, और पंचिंग कट होने के बाद पंचिंग आपको दिखाई देना चाहिए। तो इस साइड से हमने दोनों को तरफ से कट कर लिया, उसके बाद आपको आपने जो एंगल की मार्किंग किया था, उसके बाद इस वाले जो एंगल में जो आपने मार्किंग पंचिंग किया उसके ऊपर वाला भाग जितना भी आपका एक्सेस मटेरियल रहेगा उसे डायगोनली सेट करके आप डायरेक्टली इसे कट कर लोगे। उसके बाद का स्टेप है जो आपको सेट करके वास्टर्ड फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करके पंचिंग तक लाना है, चारों साइड से पंचिंग तक लाने के बाद आपका यहाँ पर वास्टर्ड फाइल का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद का स्टेप है सेकंड कट फाइल के सहायता से आप पूरे जो जॉब का साइज है, साइज में जॉब को पूरा कंप्लीट तैयार करोगे। ध्यान में रखें जॉब आपका बहुत ही इजी है, इसलिए पूरे मार्क जो है डिपेंड करता है आपके डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर जॉब की फाइलिंग करें और फिनिशिंग करें। तो सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पूरे जॉब को डायमेंशन में बना लोगे। उसके बाद का जो स्टेप है आपका स्मूथ फाइल के सहायता से आपको पूरा फाइलिंग करना है, स्मूथ फाइल के सहायता से पूरा फिनिश कर लोगे। और फिनिश करने के बाद जब आप लास्ट में सरफेस क्लीन करोगे तो सरफेस क्लीन करते समय जो आपका रॉ मटेरियल 6 मिलीमीटर का मिला था आपको कितना मिलीमीटर बनाना है, 5 मिलीमीटर बनाना है थिकनेस। तो ज़्यादा का मटेरियल निकालने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ
मास्टर फाइल के सहायता से फाइलिंग करके कम कर दिया मटेरियल, उसके बाद लास्ट में स्मूथ फाइल के सहायता से ड्रॉ फाइलिंग करके दोनों सरफेस को क्लीन करके जो आपका साइज कितना बना लेना है 5 मिलीमीटर आपका थिकनेस बना लेना है। तो इस तरह से आपका जॉब यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली बन जाता है। तो जो आज का जो हमारा क्लास था 7 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का जो फिटर ट्रेड का बार स्किल टेस्ट हुआ, उस पेपर को हमने पूरे डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, और आपके मन में कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जहाँ से आप इसे मेरे से बात भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन के पेपर के साथ।